फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया आपसे बताना चाहता हूं कि क्या कटिंग करते हुए जब हम ब्रिजिंग करते हैं या क्राउन की कटिंग करते हैं जिसमें कैविटी बन गई और हमने कैप लगाने के लिए एडवाइस किया, तो हर बार लोकल एनेस्थीसिया या कहें सुन करना ज़रूरी है? नहीं फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई कई पेशेंट के हॉर्न्स इतने नीचे होते हैं, अगर हम दांत की ग्राइंड कर रहे हैं उनको पता ही नहीं लगता है, ना सेंसिटिविटी होती है, तो वो नहीं चाहते कि हमें अननेसेसरी एक इंजेक्शन दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि हर केस में दिया जाए। हाँ, जहाँ थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पेशेंट्स को दिक्कत हो रही है कि आप मेरे को सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, आप LA दे दीजिए, लोकल एनेस्थीसिया दे दीजिए, तो हम उस केस में दे देते हैं। उससे कोई नुकसान नहीं है, 2-3 घंटे के बाद नंबनेस वापस आ जाएगी। उसमें फ़ायदा ये है कि पेशेंट भी कंफर्टेबल है, एक डॉक्टर भी बहुत कंफर्टेबल है कि वो आराम से अपना काम कर रहा है, ठीक से कटिंग कर रहा है। अगर मान लीजिए सेंसिटिविटी है और हम कटिंग करे जा रहे हैं, पेशेंट बार बार हाथ पकड़ लेते हैं, प्लीज़ रुक जाइए सर, मुझे दर्द हो रहा है, तो ऐसा करने से बेटर है कि आप इंजेक्शन लगवा लें। और अगर इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, इट्स फॉर अबाउट 1-2 आवर्स, उसके बाद जब तक हम प्रोसेस ख़त्म करते हैं उसके बाद वो डिस्कम्फर्ट ख़त्म हो जाता है, और जो ही कैप लगेगी सेंसिटिविटी भी कम हो जाएगी और पेन भी कम हो जाएगा। हाँ, कभी कभी रूट कैनाल किए हुए दांतों पर कैप लगाते हैं, उसमें तो वैसे ही ऑलरेडी डेड है, तो फिर आपको वो नहीं लगानी पड़ेगा कोई इंजेक्शन, तो आपका दांत में पेन भी नहीं होगा और कम्फर्टेबली कैप भी लग जाएगा। मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया हर बार की तरह आपसे हर नए टॉपिक पर डिस्कस करता हूँ। मेरा क्लिनिक जनकपुरी दिल्ली में है, भाटिया डेंटोपल्स के नाम से है, मैं एक सीनियर डेंटल सर्जन हूँ। आपकी भी कोई शंका हो, कोई समस्या हो, आप मुझे नीचे दिए गए नंबरों पे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल भाटिया डेंटोपल्स को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।